तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है? पुष्पा द रूल, पुष्पा राज चल रहा है। कैसे? पुष्पा भाई, मेकर्स जो है ना, बहुत सॉलिड दिमाग के साथ खेल रहे हैं, बहुत सॉलिड स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं। मतलब फर्स्ट सिंगल जिस हिसाब से तड़कता भड़कता इन्होंने निकाला है भाई, लिटरली ये इम्पैक्ट करके गया है। और भाई साहब, जिस हिसाब की ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजी चल रही है मूवी को लेकर और जिस हिसाब की ये हाइप बना रहे हैं, बहुत कुछ रिवील आउट नहीं करा है मूवी से रिलेटेड, लेकिन भाई साहब ये सिर्फ ये जो स्टार्टिंग का कोरस ही था ना, पुष्पा 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 पुष्पा, भाई यही चलने वाला है। अभी तो ये चल रहा है और यही चलने वाला है जब तक मूवी नहीं आ जाती, और शायद ये कब तक चलेगा, जब तक लोगों को ये पसंद आते रहेगा। भाई लिटरली मुझे तो बहुत पसंद आया, फुल एनर्जेटिक सॉन्ग है, कई बार मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल के इस्तेमाल रूप में भी इसको इस्तेमाल करा जाएगा खुद को बूस्ट करने के लिए। यस, क्योंकि म्यूजिक बहुत दमदार है, लिरिक अगर देखें तो लिरिक भी दमदार है। भाई पहली बार ये कि बहुत सी जो साउथ इंडियन मूवीज के गाने होते हैं वो डब्ड, हिंदी डब्ड वर्जन में उतने जमते नहीं है, फिट बैठते नहीं है, लेकिन भाई इससे जो प्योरिटी की फील आ रही है, जो सुगंध आ रही है इस गाने से, मीका सिंह की आवाज़ और नक्स की आवाज़ में, भाई लिटरली दमदार धमाका करके गया है। बाकी DSP का म्यूजिक, वो एवरी बीट, वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो बेस और सब कुछ जो मतलब दिल के तार को ना टच करता है। भाई जिसको ना म्यूजिक बहुत पसंद है, म्यूजिक सुनना काफ़ी पसंद है, खैर मुझे बहुत पसंद है भाई, मैं ऐसे एनर्जेटिक म्यूजिक सुनता हूँ, बहुत बार सुनता हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील करता हूँ उस टाइम तो काफ़ी सुनता हूँ, तो ये सॉन्ग ना लिटरली उस एनर्जी जो डाउन चलेगी उस एनर्जी को बूस्ट करने का काम लिटरली करेगा ही करेगा। बाकी बात अगर मूवी की करें और अल्लू अर्जुन के स्टाइल एक्टिंग की बात करें, तो भाई मूवी कहीं से कहीं तक का मार्ग नहीं मोत रही है। अल्लू अर्जुन पहले से अपग्रेड लग रहे हैं, जो फर्स्ट में देखने को मिला था, खैर फर्स्ट पार्ट में तो अल्लू अर्जुन अपना मैला कुचैला टाइप देखने को मिल रहा था, लेकिन इस टाइम पे बाबा फुल वो रॉयल्टी और जो ग्लोरी उसने कमाई है वो सब फील कर रहा है। उसका स्टाइल दमदार लग रहा है, लॉन्ग हेयर स्टाइल है भाई, जम रहा है यार ये बंदा। बाकी जो उसने सिग्नेचर स्टेप किया है, सिग्नेचर डांस स्टाइल किया है, भाई अल्लू अर्जुन से बेहतर कौन कर सकता है डांस में, तो ये बंदा नंबर वन था ही था। फिर उसके बाद ये ऐसा राउडी लुक में ये वाला डांस भाई हिट करके गया है। बाकी पुष्पा 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 फिर से भाई ये तो रट गया है मुंह पे, मतलब अभी यही चलने वाला है। अभी तक क्या चल रहा था कि पुष्पा राज साला झुकेगा नहीं, एंड नाउ अभी बच्चों बच्चे के मुंह पे यही आने वाला है कि पुष्पा पुष्पा पुष्पा। तो भाई मूवी दमदार होने वाली है, लिटरली वेट है। बाकी मेकर्स बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मूवी से रिलेटेड कुछ भी ये लोग रिवील आउट नहीं कर रहे हैं, जो बहुत 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 एक्साइटमेंट जनरेट कर रहा है। टीजर आएगा भाई ऑफिशियल, तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल तुम कहोगे कि भाई अभी तो जो आया था वो क्या था, भाई वो वीडियो क्लिप थी जो एज टीजर के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीजर डेफिनेटली आएगा इसका, एक ऐसा टीजर जो फाइनली बता के जाएगा कि आखिर मूवी में क्या होने वाला है, मतलब हिंट दे के जाएगा। देन उसके बाद जो ट्रेलर आएगा वो ट्रेलर फुल प्रॉमिसिंग होगा, और भी कुछ रिवील आउट करके जाएगा कि व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दिस सच कंटेंट, क्योंकि ये पोटेंशियल है, ये ताकत है इसमें। तो टीजर ट्रेलर के लिए बहुत वेट है। बाकी आपने किस किस ने ये सॉन्ग देख लिया है, अपना एक्साइटमेंट, अपना जो भी आपको इसमें पसंद आया नीचे जरूर शेयर करके जाना। म्यूजिक कैसा लगा, लिरिक कैसा लगा, एंड जो डबिंग में जो गाना दिखाया गया है उसमें कितनी ओरिजिनैलिटी की फील आ रही है, मीका सिंह की आवाज़ में ये गाना कैसा लगा, एंड वो फाइन वो नंबर जो मेन कोरस है इसका, पुष्पा 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 पुष्पा, ये कितना ज़्यादा हिट करके गया है, ये दमदार लगा या नहीं लगा जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। नहीं तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई साहब एक लाइक एक सपोर्ट और ये जर्नी यूँ ही चलती रहेगी। रिक्वेस्ट करूँगा अगर काम पसंद आता है तो लिटरली सपोर्ट करो यार। मिलते अगली वीडियो पर।